उत्तराखंड में 23 मार्च को सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा समारोह। सभी अधिकारियों को किया गया अलर्ट। सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम। ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी होंगी शामिल। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। इक्कीस मार्च सोमवार को शाम 5 बजे होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। दिन में 2 बजे दिल्ली से रवाना होंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। भाजपा प्रदेश दफ्तर में शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में रमेश पोखरियाल निशंक के घर हुआ मंथन। इस बैठक में कई बड़े नेता रहे शामिल। धामी ने कहा, विधायक दल की कल बैठक शाम होगी और नाम तय होगा, सामने रखा जाएगा। अमित शाह के घर बैठक में जाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारे पास सीएम फेस की कमी नहीं है, उत्तराखंड की जनता ने हमारे काम पर मुहर लगाई। अमित शाह और रघुवर दास कल नहीं जाएंगे लखनऊ। 23 मार्च को दोनों नेता आ सकते हैं लखनऊ। पर्यवेक्षकों की निगरानी में विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। 24 मार्च को यूपी भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। पार्टी के विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है। 24 मार्च को चुना जाएगा विधानमंडल दल का नेता। सपा ने जारी की 36 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट। सपा ने बुलंदशहर और मेरठ सीट आरएलडी को दी। 3 चरण के लिए एमएलसी प्रत्याशी घोषित। मथुरा एटा मैनपुरी में 2 उम्मीदवार। कल विधानसभा में शपथ लेंगे उत्तराखंड के सभी विधायक। विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंसीधर भगत दिलाएंगे विधायकों को शपथ। सोमवार को होगी उत्तराखंड भाजपा के विधायक दल की बैठक। 21 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने का खाका तैयार। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी उत्तराखंड कांग्रेस। 21 और 22 मार्च को पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। देहरादून में होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक। कांग्रेस के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजी 17 नामों की लिस्ट। सुरेश खन्ना, रमापति शास्त्री, माता प्रसाद पांडे, सतीश महाना, रघुराज प्रताप सिंह का नाम शामिल। आजम खान भी इस लिस्ट में मौजूद। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब बसपा फिर काडर नेताओं की टीम करेगी तैनात। इसी महीने हो सकती है बसपा के प्रदेश संगठन की बैठक। बैठक में कई ऐलान कर सकती है मायावती। भाजपा आज जारी कर सकती है बाकी 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। शनिवार को जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की लिस्ट। सपा से भाजपा में आए कई चेहरों को दिया गया मौका। ब्रिज क्षेत्र में बीजेपी अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा है कि ब्रिज क्षेत्र की सभी 7 सीटें और प्रदेश की सभी 36 सीटें इस बार बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एमएलसी चुनावों में सपा ने गड़बड़ी की थी। सपा के बस्ती सदर सीट से विधायक महेंद्रनाथ यादव के घर बंधक बने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार को 8 थानों की पुलिस ने छापा मारकर बरामद किया। पुलिसिया कार्यवाही के बाद अब सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी का ने की सपा विधायक को जेल भेजने की मांग। गोंडा में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने गोंडा बलरामपुर से अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह को बनाया है एमएलसी प्रत्याशी। भाजपा कार्यालय पहुंचे अवधेश कुमार सिंह ने सभी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को जायज मांगे मानने का दिया है आश्वासन। सीतापुर पहुंचे भाजपा एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया स्वागत। पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पवन सिंह चौहान का स्वागत किया। सीएम योगी से मिलने पहुंचे फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम ने एबीपी गंगा से की बातचीत। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर जताया आभार। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि फिल्म सिटी बनाने का जो योगी जी का सपना है उसे मैं पूरा करूंगा। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी की मुलाकात। रुड़की पहुंचे पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव में हुए भीतरघात को लेकर कहा, बीजेपी हाईकमान को सब पता है, इसीलिए भीतरघातियों पर आलाकमान जल्द कार्यवाही करेगा। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा।
स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। यूपी में भाजपा की जीत का चिट्ठी में जिक्र है, लिखा पीएम के मार्गदर्शन में ही मिली जीत। यूपी में पुलिस महकमे के कई यूनिट्स में 900 पद सृजित, एटीएस में भी बढ़ाए गए 66 पद। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में 61 पद। हर जिले की फिंगरप्रिंट यूनिट लगाई जाएगी। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए 147 पद। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पल्स पोलियो महाअभियान का किया आगाज। 28 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 3,40,00,000 बच्चों को ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य है। सीएम बोले यूपी में कोरोना प्रबंधन की तारीफ की। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है, सब लोग एक साथ होकर सामने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के अलावा बच्चों की बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष भी चलाया जाता है। मासूमों को पूरा टीकाकरण कवरेज का समय देना होगा, ये हर एक बच्चे का अधिकार और हमारा दायित्व है। संत कबीर नगर में खलीलाबाद पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर कौस्तुभ की अगुवाई में खेली गई होली। होली मिलन समारोह में पहुंची जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने महिला आरक्षियों के साथ रंगों का त्योहार मनाया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और डीएम सुहास एलवाई ने खेली होली। फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस। पुलिस लाइन में होली समारोह का किया गया था आयोजन। संगम नगरी प्रयागराज में तीसरे दिन होली की मस्ती में डूबे लोग। यहां 3 दिन तक सड़कों पर रंग खेलने की परंपरा है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने रविवार को जमकर खेली होली। होली के दिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी होली के अगले दिन रंग खेलते नजर आए। पुलिस लाइन और कोतवाली में डीजे पर जमकर महिला और पुरुष आरक्षियों ने किया डांस, एक दूसरे को लगाया रंग। अमरोहा में भाजपा विधायक राजीव तरारा के योगी के गाने पर डांस करते वीडियो की बात करते हैं जो वायरल है। दोबारा योगी सरकार के आने की खुशी में नाचते झूमते दिखाई दिए भाजपा विधायक। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में गांव गोविंदपुर फगोई में गोलगप्पे खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों में अवैध असले डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट शुरू हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई। घटना में करीब 5 लोग घायल हैं। कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस जांच में जुटी है। आगरा में दबंगों के डर से महिला डॉक्टर ने किया पलायन। डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने आगरा छोड़ राजस्थान के धौलपुर में रहना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुख्यमंत्री से महिला डॉक्टर ने लगाई गुहार। जेल में बंद कुख्यात सुधीर सिंह भदौरिया दे रहा है धमकी। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन इलाके के मुगराहा गांव में जमीन विवाद में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खेत पर गए दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई और गोली लगने के शख्स घायल। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली में मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियार से हत्या की गई। गांव के बाहर खेतों के पास बना था यह मंदिर। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा। महाराजगंज मदनखेड़ा गांव का यह मामला। प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला यात्री से शौचालय संचालक ने रेप किया है। घटना के वक्त सामान लेने गया था महिला का पति। पीड़िता की तहरीर पर संचालक के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया बाहर। बीती रात को घर से किसी काम के लिए निकला था युवक। पलिया चंदापुर गाँव का है ये मामला। नैनीताल के पंत पार्क में एक टी स्टॉल पर रखे गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। स्टॉल के पास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। समय रहते स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सिलेंडर की आग को बुझाया गया। बड़ा हादसा होने से टला है। पुलिस ने सभी स्टॉल वालों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। पीलीभीत के माधव टांडा इलाके में बेकाबू कार ने टेम्पो को कड़ी टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत। घर में सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे टेम्पो सवार युवक। हादसे में घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार के उड़े परखच्चे नशे में धुत होकर कार चला रहा था युवक। पक्के पुल टीले वाली मस्जिद के पास का ये मामला।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आवास विकास में किराए के मकान में रहने वाले आरती कुंवर ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। जांच में जुटी पुलिस, सिडकुल की एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी मृतक आरती कुंवर। पीलीभीत में बीच बाजार खड़ी स्विफ्ट कार बनी आग का गोला। आग लगने से बाजार में मचा हड़कंप, दुकानदारों ने आग पर पाया काबू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामले में गिरावट दर्ज। 24 घंटे में 1761 लोगों को कोरोना हुआ, 127 लोगों की जान गई, 3196 लोग ठीक हुए हैं। संक्रमण के टोटल आंकड़े की बात करें तो 4,30,07,841। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 26,240 हो चुकी है। महामारी से देश भर में अब तक 5,16,479 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इसके अलावा 4,24,65,122 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत बीते दिन 15,34,444 लोगों को डोज दी गई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो गया है 181,27,11,675। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भारी संख्या में शनिवार रविवार के दिन लोगों की भारी भीड़ के चलते जाम लगा। ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। एक पार्किंग फुल होने पर लोगों को दूसरी पार्किंग भेजा गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा में सीएम फेस को लेकर साधा निशाना। कहा पार्टी में मचे घमासान के चलते मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाने में आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हंगामा और प्रदर्शन। दो पक्षों के बीच विवाद के सामने आने पर मामला की शिकायत कराने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का है आरोप। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के बिल अकबरपुर टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने किया हंगामा। सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी टोल प्लाजा अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। सवालों के घेरे में आगरा पुलिस। गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किए गए आरोपी आराम से टहलते हुए आए नजर। सीसीटीवी में कैद आरोपियों के घर जाते हुए तस्वीरें। एटा के सुन्ने हाईवे पर बलेरो कार की टक्कर के बाद बवाल। दो पक्षों ने पथराव किया, मारपीट और फायरिंग की। ग्रामीणों की फायरिंग से बचे दरोगा। पुलिस को मौके से मिले दो खोखा कारतूस। अमरोहा के तालाब को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे सदर एसडीएम। जेसीबी की मदद से अवैध प्लांटिंग को किया गया ध्वस्त। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी के आदेश पर चला अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर। भू माफियाओं ने रातों रात किया था तालाब पर कब्जा। अमरोहा सदर कोतवाली के पनवाड़ी तालाब का है मामला। लखनऊ के यासिनगंज इलाके में घरेलू कलह के चलते युवक ने लगाई फांसी। परिजनों ने आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ा। नैनीताल जिले के काठगोदाम गोला बैराज में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में जान गंवाने वाले दरोगा अमरपाल यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा काशीपुर। स्थानीय शमशान घाट में श्रद्धांजलि देने के बाद अंतिम विदाई। मार्च महीने में बढ़ रही गर्मी से बढ़ी परेशानी। लखनऊ में मार्च में तापमान पहुंचा 36 डिग्री के पार। तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक दर्ज। गर्म हवाएं, चिलचिलाती धूप से लोग परेशान।